विशेष करकर जो लोग एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए रजौरी के क्षेत्र में, इनके आप्तजनों से मिलना और इनकी दुख में सहभागी होना ये उद्देश्य था, परंतु आज मौसम के कारण वहां मैं पहुंच नहीं पाया। सभी के सभी सातों परिवारों के सभी सदस्यों के साथ मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई है और क्योंकि मौसम के कारण मैं जा नहीं सकता था तो टेलीफोन के माध्यम से उनके दुख के अंदर सहभागी होने का मैंने प्रयास किया है। उनकी जो बातें हैं उसको ध्यान से सुनी है। एलजी श्री मनोज सिन्हा जी भी मेरे साथी थे जब मैं बात कर रहा था। उनका हौसला पूरे देश के लिए उदाहरण रूप हौसला था। सभी लोगों का कहना था एक क्षेत्र हमारा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। कुछ परिवार पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से भी आए थे, फिर भी डटकर लड़ने का मूड, इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रदर्शित होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा होगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू पुलिस का एसआईए का टीम हो या सेना हो, इस सभी एजेंसियां शत प्रतिशत मुस्तैद है और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में इन घटनाओं को रोकने के लिए इनका मनोबल भी बना हुआ है। ये दोनों घटनाएं जो दो दिन में हुई उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में एनआईए के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और विगत डेढ़ साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इस सारी घटनाओं को एक साथ रखते हुए ये टीम आतंकवादी गतिविधियों की जांच उसी दायरे में करेगी। इसके साथ साथ ओजीडब्ल्यू के लिए भी आतंकवादी ग्रुपों के सपोर्ट सिस्टम के लिए और उनके सूचना तंत्र के लिए भी सभी पहलुओं पर आज चर्चा हुई है। और एक कह सकते हैं कि संपूर्ण 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का आज सभी एजेंसियों ने भरोसा भी दिलाया है और इस पर चर्चा भी हुई है। हमारी जितनी भी सूचना की एजेंसियां हैं, इन्होंने भी अपनी गतिविधि को
और टाइटन करने का फैसला भी बनाया है, रणनीति भी करी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिन लोगों ने भी ये घटना करी है उनको जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत कम समय के अंदर नसीहत करेगी और उनको कानून के दायरे में लाकर कोर्ट के सामने खड़ा करेगी। इसके साथ साथ जम्मू क्षेत्र की पूरी सुरक्षा को चौक चौबंद करने के लिए जो एक्शन प्लान बना है ये टाइम बाउंड है और 3 महीने के अंदर हर क्षेत्र के अंदर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने का आज फैसला हुआ है। मैं जम्मू के नागरिकों को इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इनकी आतंकवादी ग्रुपों की मंशा जो भी हो परंतु हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर जम्मू की सुरक्षा करेगी। धन्यवाद। कोई पूछना चाहता है क्या? बता दीजिए। नहीं, इसको ये घटना